लाडली लाल की जय। श्री गुरवे नमः। 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 आचार्य मां विजानीया नामन्येत कर्चित् नामार्थ बुद्ध्या स्वेत सर्वदेव मयो गुरु। हे परम प्रियतम, हे परम प्रियतम, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण, अनादि काल से हमने, अनादि काल से हमने अनंतानंत दुख पाए, अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं, एवं पा रहे हैं। पाप करते करते, पाप करते करते अंतःकरण, अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि, इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा, रसिकों द्वारा यह जानने पर भी, यह जानने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे, कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से, अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे अशरण शरण, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता, तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण, हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण, पतित पावन श्री कृष्ण तुम अपनी अहेतु की कृपा से ही, तुम अपनी अहेतु की कृपा से ही हमको अपना लो, हमको अपना लो। हे करुणा सागर, हे करुणा सागर हम भुक्ति मुक्ति आदि, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते हमें तो केवल, हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही, तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है, एकमात्र चाह है। हे नाथ, हे नाथ अपने विरत की ओर देखकर, अपने विरत की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो, इस अधम को निराश ना करो। हे जीवन धन, हे जीवन धन अब
बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है, मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतः प्रेम भिक्षा देहि, प्रेम भिक्षा देहि, प्रेम भिक्षा भिक्षां देहि, प्रेम भिक्षां देहि। साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमत सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रीतम प्यारी की त्रिवन वारी नतवारी की, रुहुन सिर कनक मुकुट झलके, रुहुन श्रुति कुंडल भल हलके, रुहुन दृग प्रेम सुधा छलके, कसीले प्रसन्न मुख पान हसन मुस्कान, प्रसन्न दम कान दुहुनी बेसर छवि न्यारी की, जीवन वारी नतवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, जीवन वारी नतवारी। एक उर पीतांबर फहरे, एक उर नीलांबर लहरे, दुहुन उर लर मोतिन छहरे, कंकनन खनक किंकिनिन झनक, नूपुरन भनक दुहुन रुन झुन धुनी प्यारी, वारी नतवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, त्रिवन वारी नतवारी की। एक सिर मोर मुकुट राजे, एक सिर चूनर छवि छाजे, दुहुन सिर तिरछे भल भ्राजे, संग
जुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख हर कंज पद कंजारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीलद सुंदरम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीलद सुंदरम पट पीत मान नौमी जनक सुतावरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम भज दीन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम इति वदति तुलसीदास कामादि खल दल गंजनम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा
यह तो आप लोग जानते ही होंगे कि जीव का परम चरम लक्ष्य परमानंद प्राप्ति ही है, और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु अनादिकाल से हम लोग प्रत्येक क्षण तैल धारावद विच्छिन्न प्रयत्नशील हैं। किंतु वह आनंद अभी तक मिला नहीं। जबकि दो ही क्षेत्र हैं, एक भगवान का क्षेत्र, एक माया का क्षेत्र। तो माया के क्षेत्र में तो हमने बहुत कुछ पाया, यहां तक कि सैकड़ों बार हम स्वर्ग के राजा इंद्र बन चुके हैं, और संसार के सुख तो सब आप लोग भोगते ही हैं, माँ का, बाप का, बेटे का, बीबी का, पति का, धन का, ये सब सुख तो आप लोग बहुत भोग चुके। किंतु सब 0/100, अशांति, टेंशन, बस यही मिला इस संसार से। तो ये सिद्ध हो गया कि माया के एरिया में कहीं भी आनंद नहीं है। तो फिर कहां है? बस दूसरा क्षेत्र बचा भगवान का, वही होगा। ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। जब एक का नाम रमेश है, एक का नाम दिनेश है, और दिनेश, अगर दिनेश के बारे में हमको कोई बतावे कि ये दिनेश है, तो हम समझ लेंगे कि दूसरा रमेश है। अगर संसार में आनंद नहीं है, ये डिसीजन हो जाए, निश्चय हो जाए। निश्चय नहीं होता आप लोगों का। हमारा बाप खराब है, औरों का अच्छा होगा। हमारी माँ खराब है, औरों की अच्छी होगी। हमारी बीबी खराब है, ये खोपड़ी में बीमारी भरी है। ऐसा नहीं निश्चय किया कि नर्मदा के कंकर सब शंकर, सबका एक हाल है। वो चाहे प्राइम मिनिस्टर के घर का मामला हो, चाहे किसी स्वर्ग के सम्राट के घर का मामला हो, सब दुखी हैं, अशांत हैं। तो भगवान में ही आनंद है। ये बात आप लोग बहुत डिटेल में हमारे बच्चों से सुने होंगे, समझे होंगे। अब वो आनंद भगवान के पास जो है, कैसे मिले? कैसे मिले इतनी बड़ी चीज, जब संसार में 1,01,01,00,000 जीवन भर प्रयत्न करने पर कभी किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला। तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, अनंत मात्रा का आनंद कैसे मिलेगा? भगवान तो यहां पर कहीं दिखते नहीं। अरे मूर्तियां हैं भगवान की सारे देश में, लेकिन साक्षात भगवान चाहिए तो उनसे हम कहें भाई हमको भी वो आनंद दे दो। तो आनंद मिले कैसे भगवान से? आनंद पाने का या किसी सामान के पाने का तरीका एक तो ये है कि उसको पकड़ के बांध दो, छीन लो, जैसे डाकू लोग करते हैं। दूसरा तरीका है कि उससे भीख मांग लो। भीख मांगने से वो दे दे, एक मार्ग ये, और एक मार्ग ये कि उसको डरा के, धमका के सामान ले लो। और एक मार्ग और है, वो ये कि चुरा लो।
संसार में चोरी होती है ना, जब देखते हैं बड़ा बलवान है सामने खड़े हो करके, इसको हम परास्त नहीं कर सकते तो चुपके से चोरी कर लेते हैं। हाँ, तो अब इन तीनों में क्या अपनाएंगे आप? भगवान को बांध दे, डरा दे, इम्पॉसिबल, न तत् समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते, उसके बराबर भी कोई नहीं है तो उससे बड़ा कौन होगा। नंबर दो, चुरा ले, अरे वो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, इसलिए चोरी आप कैसे करेंगे? चोरी तो होती है जिसके सामान चुरावे उसको पता न हो, तुमने चोरी की प्लानिंग किया वो भी उसने नोट कर लिया भीतर बैठे बैठे, तो चोरी से भी काम नहीं बनेगा। अब तीसरा मार्ग है, मांग लो। कैसे मांगे? संस्कृत में, उड़िया में, बंगाली में, पंजाबी में? नहीं नहीं नहीं, नहीं। जैसे जब आप लोग पैदा हुए थे, आप लोगों को याद न होगा, तो न तो कुछ बोल सकते थे, न इशारा कर सकते थे, न मां को पहचानते थे, तो आपका जीवन कैसे चला? एक हथियार था आपके पास, क्या? रो दिया, रो दिया, रोने की आवाज मां ने सुना और उससे नहीं रहा गया, दौड़ी, क्या हुआ, क्यों रोया? इसी प्रकार कई महीने चला, तो हमको भी उसी अवस्था पर फिर से जाना होगा। भोला बालक, अनजान बालक, जिसकी कोई योग्यता नहीं, कोई साधन बल नहीं, अरे जो मां को पहचानता तक नहीं, जो मां से अपनी डिमांड, अपनी मांग रख भी नहीं सकता, ऐसा बालक क्या करेगा? रो देगा। तो भगवान कहते हैं, हमारे पास बल लेके मत आओ, निर्बल बन जाओ, अकिंचन बन जाओ, साधनहीन दीन बन जाओ, तृणादपि सुनीचेन, तृण से बढ़कर दीन भाव, तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से अधिक सहिष्णु भाव, सबको मान दो और स्वयं मान मत चाहो। ये तीन सूत्र हैं गौरांग महाप्रभु के, प्रारंभिक कक्षा के ये पाठ हैं। कोई भी अहंकार यदि आपके पास होगा तो उसकी पहचान क्या है? कि आप जब साधना करने बैठते हैं या मंदिर में जाते हैं तो एक क्वेश्चन आपसे करेंगे संत लोग, क्यों, कितने आंसू बहाए तुमने? आंसू? आंसू तो नहीं बहाए, तो फिर क्या किया? जीरो में गुणा किया, एक लाख से, एक करोड़ से, उससे क्या होगा? आंसू बहाओ, आंसू से ही भगवान प्रसन्न होंगे, और कोई बल नहीं काम देगा। जब द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था दुशासन, तो द्रौपदी ने दांत से साड़ी दबाया, भगवान देख रहे हैं, अभी अपना बल लगाए हैं, लगा ले लगा ले। 10,000 हाथी का बल दुशासन में, एक अबला क्या बल लगाएगी?
तो दांत से साड़ी गिरने लगी। द्रौपदी ने आंख बंद कर लिया और हा नाथ द्वारिका बासिन अंबरावतार हो गया। तो बल लेके नहीं जाना है, और बल हम लोगों के पास है भी नहीं कुछ। कौन सा बल लेके जाएंगे आप? क्या है आपके पास? संपत्ति? अरे अनंत कुबेर तो उसके सर्वेंट है, तुम्हारी क्या हैसियत है? अरे खरब पति हो गए तुम, और क्या हो गए इससे अधिक? एक शहर भी नहीं खरीद सकता कोई दुनिया का पैसे वाला, एक शहर। तो काहे का घमंड, मैं बड़े पैसे वाला हूं। रूप, रूप तो कामदेव टॉप करता है, अगर आप लोग उसको देख ले तो तत्काल मूर्छित हो जाए, सह नहीं सकते वो सुख। आपकी क्या हैसियत है? गोबर गणेश, एक कूड़ा कबाड़ा शरीर मनुष्य का शीशे में देख के आप बड़े विभोर होते हैं। कोई चीज नहीं है। बुद्धि, बुद्धि तो और गई गुजरी है, हजार बार संतों की बाड़ी सुनो और फिर भूल जाओ। एक बात समझ लो, संसार में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के सुख के लिए प्यार नहीं कर सकता। चलो एक बात समझो, और ऐसा समझो कि सदा प्रैक्टिकल लाइफ में वो उतारो। कोई माँ, कोई बाप, कोई बेटा, कोई बीबी, कोई पति, कोई संसार का आदमी किसी दूसरे आदमी के सुख के लिए प्रेम नहीं कर सकता। सब अपने सुख के लिए प्यार करते हैं। नवा अरे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो जिध्यासितव्यो मैत्रेयी, वेद कहता है। जितनी भी सामान आप लोग चाहते हैं, अच्छी कोठी हो और हमारे बीबी हो, बच्चे हो, ये हो वो हो, ये सब क्यों हो? आनंद के लिए। पर आनंद मिल जाएगा, आनंद। ये सब सामान जब माया के अंडर में है, आनंद यहां है ही नहीं, तो मिल कैसे जाएगा? एक अंधे ने अनाउंस किया, ए अंधो इधर आओ, मेरा हाथ पकड़ लो। तो दूसरे अंधे ने सुना कि हाँ इसके आंख जरूर है, पकड़ लिया। बस यही नाटक हमारे विश्व में हो रहा है। हम मां से सुख चाहते हैं, मां हमसे चाहती है। हम बेटे से सुख चाहते हैं, बेटा हमसे सुख चाहता है। ये स्वार्थ की रस्सा कशी है, और जितनी देर तक हमारे स्वार्थ की सिद्धि वो मां, वो बाप, वो बेटा, वो स्त्री, वो पति करते रहे, उतनी देर तक प्यार। अब वो स्वार्थ सिद्धि कम कर दिया, प्यार कम हो गया। स्वार्थ सिद्धि बिल्कुल समाप्त हो गई तो प्यार समाप्त हो गया। ये संसार का कच्चा चिट्ठा है, इसलिए भगवान से रो कर मांगना है। बुद्धि नहीं लगाना, ये एक श्लोक याद करना पड़ेगा, तुम्हें वो माता च पिता। अरे नहीं नहीं, तुम उड़िया भाषा में, बंगला भाषा में जो लैंग्वेज तुमको प्यारी लगे उसमें रो के पुकारो। रोना है, और उस रोने के साथ शर्त है, कोई कामना संसार की लेके नहीं जाना है भगवान के सामने। दो ही कामना है, एक भुक्ति एक मुक्ति। ब्रह्मलोक तक के सुखों का नाम भुक्ति, और भगवान में मिल जाना उसका नाम अपवर्ग, कैवल्य, मोक्ष। दोनों कामनाओं को दूर फेंक करके, ये दोनों पिशाचिनी हैं, जिसके लग जाए छोड़े ना। और सबसे खतरनाक मुक्ति होती है,
को बस रोकर उनसे उनका दर्शन उनका प्रेम मांगो और कुछ न मांगो। कुछ बनावट नहीं, जैसे हो वैसे। थोड़ी भी बनावट किया तो मोह कपट छल छिद्र न भावा, फिर भगवान लेफ्ट टर्न अबाउट टर्न हो जाएंगे। भोले बालक के समान फिर बनना पड़ेगा। आप लोग पहले भोले थे, लेकिन जो जो बड़े हुए तो संसार वालों से सीख सीख के 420 के घर बन गए आप लोग। अरे साहब, 420 अगर हम ना सीखें तो हमको कोई ठग लेगा, इसलिए सीखते हैं। और सीखते सीखते स्वयं 420 हो गए। अब वो कोई संत मिलता है तो वहां भी खोपड़ी लगाता है, ये बाबा सिद्ध है कि साधक है कि पाखंडी है। ये जिस बुद्धि से आप निश्चय करने जा रहे हैं वो बुद्धि की हैसियत क्या है? एक वाक्य नहीं सहन कर सकते आप। किसी ने कहा तुम गधे हो, बेवकूफ हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, आग लग जाती है शब्दों से। अच्छा बताओ, तुमने भगवत प्राप्ति की? नहीं। तो फिर तुम माया के अंडर में हो? हाँ। तो फिर तुम कामी, क्रोधी, लोभी, मोही सब कुछ हो, मान लो, और सदा हो। आप लोग कहेंगे इस समय हम लोग आपकी बात सुन रहे हैं तो कामी क्रोधी नहीं है। हाँ, किसी में दिख रहा है क्रोध? लेकिन जब ही मैं उठ के चलूंगा और आप लोग जब उठेंगे और कोई धक्का लगा दे, एक शब्द, एक छोटी सी क्रिया आप शरीर के मानव को, जो सर्वोच्च बुद्धि वाला है, पागल बना देता है। तो इसलिए सदा अपने को कामी, क्रोधी, लोभी, मोही मानो। जो इससे परे हो चुके हैं वे संत लोग तो लिख के दे रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। और हम लोग तो फैक्ट में है, फिर क्यों ना माने, क्यों बुरा मानते हैं? तो भगवान के सामने निष्कपट, निश्चल, नवजात शिशु की भांति रोकर उनका प्रेम मांगो। उनके जो पसंद आवे आपका रूप बना लो, जो पसंद आवे उनका नाम गाओ, जो पसंद आवे गुण गाओ, जो पसंद आवे लीला गाओ, जो अच्छा लगे वो श्रृंगार कर दो। डरो मत, पैंट पहना दो और बल्ला थमा दो, चलो श्याम सुंदर क्रिकेट खेलो। अरे सोचो, अगर आज हमारे यहां श्री कृष्ण का अवतार हो तो उसकी मां, उसके बाप क्या वही पीतांबर पहना करके स्कूल भेजा करेंगे? भगवान तो सब प्रकार का स्वरूप रखते हैं। त्वम स्त्री, त्वम पुमान, त्वम कुमार उत वा कुमारी, त्वम जीर्णो दंडे न बंचसि, वेद कह रहा है। कभी स्त्री बन जाए, कभी कुमार बन जाए, कभी कुमारी बन जाए, कभी बूढ़े बनकर लठिया लेके चलने लगे, सब श्रृंगार है उनका। जो जिसको माँ बाप को पसंद हो वो श्रृंगार अपने बेटे का करेगा, नियम है, हर युग में ऐसा हुआ है। लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो कपड़ा पहनाइए, जो अच्छा लगे वो श्रृंगार कीजिए, सब मन से। क्योंकि अगर आप बाहर मूर्ति पूजा करेंगे तो आपको पिंच करेगा, काश कि मैं अरबपति होता और 10 करोड़ की हीरे की माला पहनाता श्याम सुंदर को। पैसा नहीं है। अरे क्यों ऐसा विचार रखते हो? हमारे शास्त्रों में
मनोमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। भागवत में कहा गया है आठ प्रकार की मूर्ति पूजा होती है, उसमें एक है मनोमयी, मन से बना लो चाहे जहां मूर्ति को, तो कहीं ले जाओ यहां से वहां, वहां से वहां, प्रॉब्लम है। और मन वाली मूर्ति जो है वो ऐसी मूर्ति है कि जैसी चाहो वैसी करोड़ों की हीरे की माला पहनाओ, जो कपड़े चाहो, जैसा श्रृंगार चाहो, बदलते जाओ। और कोई पैसा नहीं खर्च होगा, तुम्हारी वो हिचक, वो जो तुमको प्रिंट करती है कि हम क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है, कोई जरूरत नहीं ऐसे पैसे की, भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो हम अपने अंतःकरण शुद्धि के लिए तीन प्रकार की सेवा भगवान की करते हैं। सेवा सा परापरोक्ता मानसी, सबसे उच्च कोट की सेवा मानसी, फिर तत्सिद्धे तनु वित्तजा, शरीर से सेवा करना, और जिसके पास धन है धन से सेवा करे, ये नंबर दो में है। नंबर एक है मन। कोई भी भक्ति उपासना है विश्व की, किसी भी धर्म में, तो मन से करना है। बंधन और मोक्ष का कारण मन है, वर्कर केवल मन है, न इंद्रियां है न शरीर है। ये तो दिखावटी है, अर्जुन ने करोड़ों मर्डर किए लेकिन उसका मन कहां था। तस्मात सर्वेषु कालेषु महामनुस्मर, सर्वेषु कालेषु, एक घंटा बैठ के भगवान ने मन लगाया ऐसा नहीं, युद्ध करते समय भी अर्जुन का मन भगवान के चरणों में था। तो इंद्रियों से इतने मर्डर किए भगवान ने अपनी डायरी में लिखा ही नहीं, उसने कोई पाप किया है क्या। अरे पाप छोड़ो, सोचा भी नहीं किसी की खिलाफत की बात। उसका मन तो मेरे पास था, सोचता कौन। इसी को कर्मयोग कहते हैं। ये भले ही अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे होगा लेकिन ये करना होगा। तो आप लोगों को बड़ी सीधी सी बात है, शास्त्र वेद में और कोई ऐसी चीज नहीं लिखी है कि जाओ बाजार से रसगुल्ला लेके खा लो, या कोई बाबा कृपा करके आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। सब बकवास, स्वयं भगवान नहीं करा सकते। उद्धव को भेजा गोपियों के पास, क्यों, भगवत प्रेम के लिए। अरे तुम तो बैठे हो, गुरु घंटाल दे दो ना। ना हम नहीं दे सकते, हमारा भक्त देगा, हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता कोई। मत भक्तस्त जे भक्ता ते में भक्त तमामता, सब भगवान के ऐसे नियम हैं, अपने भक्तों के काम दिए हुए हैं। तो ये सब तो बाद में होता रहेगा, आपको अभी रो करके भगवान की भक्ति, उनका दर्शन मांगना है। और अगर किसी को वास्तविक महापुरुष नहीं मिला है तो यह भी भगवान से रो कर कहना है, हमें किसी प्रैक्टिकल मैन से मिला दीजिए, जिसके पास दिव्य प्रेम हो, जो आपसे मिल चुका हो, वो सब कृपा करके कर देंगे। वो तो जरा से आंसू से पिघल जाते हैं, उनकी वीकनेस है। संसार में हर एक की वीकनेस होती है ना, कोई ना कोई कमजोरी होती है, तो भगवान की यही कमजोरी है। आंसू आए, अच्छा अच्छा आ रहे हैं, आ रहे हैं। फेथ रखो, विश्वास रखो, डरो मत। अजी हमको भगवान मिलेंगे, आपने पहले ही भगवान को निकाल बाहर कर दिया, ऐसा क्यों सोचा हमको नहीं मिलेंगे। क्या अजामिल से भी बड़े पापी हम हैं। और अगर किसी कोई पतित पावन है तो हम जितने अधिक पापी होंगे उतने अधिक वो प्यार करेंगे हमसे।
हाँ? गौरांग महाप्रभु ने कहा कि दीन बंधु रीति नाम ते स्मरण यादवेन्द्र पतितो हम उत्सहे और भक्त बक्सलतया इति श्रुते मामकं हृदय माशुकं पते। जब आपका दीन बंधु पतित पावन नाम सुनता हूं हिम्मत होती है हमारा भी काम बन जाएगा इस दरबार में, और जो भक्त बत्सल सुनता हूं तो डर जाता हूं, भला भक्त कहां से बनूंगा मैं, ये तो मेरे बस की बात नहीं होगी। तो वो दीन बंधु है, पतित पावन है, अधम उदाहरण है, इसलिए हम लोग निर्भय होकर और बिना डाउट के पक्के विश्वास के साथ रोज साधना करने जब बैठो तो ये विश्वास बढ़ाओ, आज मिलेंगे, आज मिलेंगे, नहीं मिले, मैं इतना पापी हूं कि वो नहीं मिलना चाहते, फील करो दूसरे दिन आज जरूर मिलेंगे, आपका प्यार बढ़ता जाएगा, दीनता नम्रता निर्बलता बढ़ती जाएगी, बस अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद फिर महापुरुष आपको दिव्य प्रेम देगा फ्री में बिना मांगे, तब आपका अंतःकरण इंद्रियां सब दिव्य हो जाएंगे। जैसे इंद्रिय श्री कृष्ण के है वैसे इंद्रिय दे देंगे आपको, फिर आप भगवान के अवतार को देखें या बिना अवतार के सर्वत्र जो व्यापक है वो दिखाई पड़ेगा आपको। अभी तो आप देखते हैं ना, आकाश है, पृथ्वी है, और क्या है यहां। शंकराचार्य शरीर के जो निराकार ब्रह्म को ही मानते थे, उन्होंने भी कह दिया यद्यपि साकारोयम तथैक देशी विभाति यदुनाथा सर्वगता सर्वात्मा तथाप्ययम सच्चिदानंद। यद्यपि श्री कृष्ण यशोदानंदन बन करके आए और एक जगह दिख रहे हैं सबको, उधर खड़े हैं तो इधर नहीं है, लेकिन ये सब भ्रम है, वो सर्वगतः सर्वत्र हैं, एक एक परमाणु में एक एक श्री कृष्ण है। अगर वो न हो तो परमाणु को गवर्न कौन करेगा, फिर सृष्टि नहीं चल सकती। इसीलिए बहुत दिन तक भगवान ने सृष्टि नहीं किया, फिर दया आई, ये बेचारे जीव मेरे महोदर में पड़े हैं पेंडिंग में, साधना नहीं कर पा रहे हैं, इनको बाहर करें। ये करुणा वश सबको बाहर कर दिया और वेद लॉ अपने की पुस्तक भी सबके सामने रख दी, ऐसा करो ऐसा करो बच्चों, ऐसा करो, ऐसा ना करोगे तो ये दंड मिलेगा, सब वेदों में लिखा है। हम लोगों ने वेदों को भुला दिया, और अगर जान भी गए किसी महात्मा से तो देखा जाएगा जो मरने के बाद होगा, देखा जाएगा। क्या देखोगे, भोगोगे, देखना वखना फिर कहां रह गया, अभी देख लो अगर देखना है तो। मरने के एक क्षण पहले भी अगर तुम्हारी बुद्धि में डिसीजन भर जाए, श्याम सुंदर ही हमारे हैं, उनसे मिल के रहेंगे, फिर तुम मर जाओ कोई डर नहीं, तुम्हारा जीवन सफल, अगले जन्म में फिर तुम शुचि नाम श्रीमतांगे हे योग भ्रष्टो भी जाए थे, किसी महापुरुष के संग में रहकर या उसके पुत्र बनकर फिर आगे वाली चीज पूरी कर लोगे। तो इस प्रकार आप लोग सब बातें समझते ही हैं, हमसे कहा गया थोड़ा सा बोल दीजिए, मैं तो 5-6 महीने से बिल्कुल नहीं बोलता,
और आप लोग तो सुनते होंगे संस्कार में शाम को 7:30 बजे आता है प्रवचन हमारा, और आस्था में सवेरे 7:30 बजे आता है, और फिर ये हमारे प्रचारक लोग तो आपको सब समझाते ही होंगे, ये तो हमसे अच्छा समझाते हैं, हाँ। इसलिए शेष फिर कभी बोलिए लाली लाल की। राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा 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 राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे गोविंदा
गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा राधे सत घन चिद घन सुख कंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा राधे सत घन चित घन सुख कंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा राधे सत घन चिद घन सुख कंदा राधे गोविंदा राधे सत घन चिद घन सुख कंदा 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 राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा 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 राधे गोविंदा राधे गोविंदा 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 गोविंदा
राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी प्यारी मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी प्यारी प्यारी